वो मुत्तकी नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाला होगा। वो मुत्तकी परहेजगार नहीं हो सकता। सबसे बड़ी परहेजगारी तौहीद है। सबसे बड़ी परहेजगारी, सबसे बड़ा मारूफ, सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ा खैर जो है वो तौहीद है। उससे बड़ा कोई और खैर दुनिया के अंदर नहीं है। तमाम खैर की कुबूलियत का दारो मदार इसी खैर के ऊपर है जो तौहीद खालिस है। लिहाजा ये सबसे बुनियादी शर्त है मेरे भाइयों, हर अमल की कुबूलियत का दारो मदार इसी के ऊपर है। तमाम इबादात की बुनियाद है तौहीद। उसके बगैर कोई अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा, चाहे इंसान कितना ही इबादत करने वाला क्यों ना हो। इसलिए मेरे भाई बहुत अजीम चीज़ है ये तौहीद, बहुत अहम बुनियादी चीज़ है जिसका जानना और जिस पर अमल करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो जन्नत में जाने के लिए, अमल की कबूलियत के लिए यही शर्त है कि इंसान मौहिद हो। अगर मौहिद नहीं है, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है, और इस तरीके से अल्लाह के जो खसूसियात हैं उन खसूसियात में से किसी भी खसूसियत को अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मानता है, अल्लाह के अलावा किसी और को आलिमुल गैब मानता, या वो फला हमारे पीर साहब भी आलिमुल गैब हैं, फला मुर्शिद साहब भी आलिमुल गैब हैं, फला साहब भी ऐसा करते हैं, अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो उसके सारे आमाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आप अगर शिर्क के अलावा कोई दूसरी बुराई करते हैं, कोई दूसरा गुनाह करते हैं, मिसाल के तौर पर आप झूठ बोलते हैं या रिश्वत लेते हैं या सूद खाते हैं या इस तरीके से और कोई जुर्म करते हैं, मेरे भाइयों इसकी सजा आपको अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो अल्लाह रब्बुल उसकी सजा दे, लेकिन आपकी दीगर नेकियाँ बर्बाद नहीं होंगी, आपके दीगर इबादात महफूज रहेंगे। लेकिन इंसान अगर एक शिर्क करता है अल्लाह ताला के साथ, जरा बराबर भी अगर शिर्क करता है तो अल्लाह रब्बुल उसके सारे आमाल को बर्बाद कर देता है। याद रखिए इस बात को, उसकी नमाज रोज़ा सब ज़ाया, सब बर्बाद, गोया कि उसने किया ही नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अगर उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क किया है तो ये तौहीद की जो अपोजिट है, और शिर्क जो अपोजिट है तौहीद की, उसको जब उसकी जो ख़तरनाकी है, उसकी जो तबाहकारी है, उसके जानने के बाद तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा इंसान को और ज़्यादा होता है। इसलिए एक मसल है कि जो अपोजिट चीज़ें होती हैं वो चीज़ों की अहमियत को उजागर कर देती हैं। इंसान फ़क्र फ़ाका से मालदारी की अहमियत को जानता है, इंसान बीमार होता है तब सेहत की अहमियत को जानता है। उस तरीके से जब शिर्क की आप खतरनाकी समझेंगे, शिर्क की तबाहकारी को आप समझेंगे, तो आपको तौहीद की अहमियत का अंदाजा होगा कि तौहीद कितनी अहम चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क के बारे में क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क नहीं माफ़ करेगा।